जिला मोरवास से 50 किलोमीटर की दूरी पर ठावा तहसील में हम पहुंचे हुए हैं। ठावा द्वारा तहसील से मैं सगीर उर्फ चंकी पांडे संवाददाता, राष्ट्रीय संवाददाता आपको दिखा रहा हूं न्यूज़ लाइव। और देखिए, जैसा कि लॉकडाउन में ये तय किया गया है सरकार द्वारा कि लोग घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन किया जाए, उल्लंघन न किया जाए, अपने घरों में रहें। देखिए, ये मोहल्ला नई बस्ती के अंदर शांति बनी हुई है। और देखिए, हमारे यहाँ कोई भी लोग बाहर नहीं टहल रहे हैं और ना ही बच्चे भी जो है नहीं निकल रहे हैं, और लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है। ऐसे में हमारे एक साथी हैं कामरेड, आपका वेलकम है हमारे न्यूज़ चैनल में। आप न्यूज़ लाइव दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, समाज में संदेश देना चाहेंगे कुछ? सवाल यह है, मेरा मतलब कहने का, भाई हड़ताल चल रही है, हड़ताल में इन्हें पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रही है। ये दुकानें खोल खोल कर लूटते हैं, एक एक चीज जो 5 रुपए की बिकती थी आज वो 15-20 रुपए की बिक रही है। इनका ये कहना है कि लोगों चीज को लूटा जा रहा है, 5 रुपए का वो लूटा जा रहा है, 15 रुपए दाम है आज। हाँ, लूट मची हुई है। और इस तरह से देखिए, ये कामरेड का कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका मतलब ये होता हड़ताल कुछ ना है, लूटा जा रहा जनता को। जनता लूट रही है, भोली भाली जनता, हाँ, जनता इस तरह से लूट रही है। और 5 रुपए की चीज का दाम दुगना लिया जा रहा है। और देखिए, ये सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, सच्चाई बोलते हुए सच बताते हुए सच दिखाते हुए। भैया कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि बोलना कुछ बोलेंगे तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि सच बोलना एक दंड है। सच बोलना, सच दिखाना, सच को सामने लाना एक दंड नहीं है। राहत मिल रही है, राशन मिल रहा, वो मिल रहा, दुनिया भर के दंडे मिल रहे हैं, वो आ रहा कुछ ना आ रहा, बेकार की कहानी, लूटा जा रहा जनता को। यहाँ तो कैसा, क्या मानना कामरेड आपका, क्या मानना है, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ये जो लॉकडाउन में डबल राशन दिया गया, 2 बार राशन बटा है, और राशन में एक बार राशन दिया है, दोबारा लोगों के यूनिट काटे जा रहे हैं, जमदिया काटे जा रहे हैं, जिनके अगर 7 है उसका एक यूनिट काटा जा रहा है, को काटा जा रहा है, उसको पूरा दिया जाए। देखिए, 7 यूनिट है तो उसका एक यूनिट काटा जा रहा है, और कार्ड होने पर भी मैंने ये कई जगह सुना है कि लोग धक्के खा रहे हैं और डीलर इस तरह से नाइंसाफी कर रहे हैं। हाँ। और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कान खोल कर सुन ले, मेरी ये वीडियो देखें जो भी अधिकारी कर्मचारी, कि देखिए यहाँ जो है मनमाने ढंग से हो रहा है, हर काम मनमानी हो रही है, वर्ग जो है अपना फायदा उठा रहा है, और जो है जो बड़े मुनाफाखोर हैं, जमाखोर, वो चीजों का दाम दुगना ले रहे हैं, और मजदूर और किसान की हालत बद से बदतर है, और छोटा मजदूर और किसान भुखमरी के कगार पर है। ऐसे में सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, सरकार को छोटे दबे कुचले परिवारों के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। देखिए, एक तरफ ये जो सांसद हैं, विधायक हैं, हाँ, मंत्री हैं, इनके वेतन भत्ते बराबर आ रहे हैं, ऐसे में ये गरीब मजदूर को कहाँ से आएगा, इसको कौन देगा, ये बताएंगे? कुछ बताना चाहेंगे कामरेड, बताओगे? इन्होंने जो यानी धंधे बांटे हैं, ये उन लोगों को नहीं दिया गया जिन लोगों को दिया जाता, इन्होंने भी पैसे आदमियों को दिया है। अच्छा, हाँ, तो ये विधायकों ने भी वो गल्ला उन लोगों को दिया गया है जिनसे वोट मिलेंगे। मजदूर और किसान के खाते में पैसा आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? नहीं बोल पाओ ना, इसमें बोलने का कुछ नहीं है। आप देखिए, जिला मुरादाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर मैं सगीर उर्फ चंकी पांडे संवाददाता न्यूज़ लाइव दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, जैसा कि लॉकडाउन में ये तय हुआ है कि लोग घरों पर रहें और घरों के अंदर ही लोग हैं, और 12 बजे से टाइम दिया गया है, 4 बजे का समय है, इसलिए रोजे चल रहे हैं, और रोजों में इक्का दुक्का लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और शांति बनी हुई है, लेकिन छोटा किसान और मजदूर भुखमरी के कगार पर है, जिसको कोई किसी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और देखिए, जो बड़े जमाखोर मुनाफाखोर, उनके खिलाफ कानून को कोई ना कोई मुहिम चलानी चाहिए, जो अपना माल स्टॉक कर करके स्टॉकर और बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रहे हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे कामरेड? कुछ नहीं बोल पाएंगे। चलिए,